बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान शाह और आप देख रहे हैं हम तेज़ टीवी। नाज़रीन, सबसे पहले तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, हम तेज़ टीवी की तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और चंद एक गुजारशात के साथ इस प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं, क्योंकि ईद उल अज़हा पे बेसिकली बुनियादी तौर पर हमें गुरबा और मसाकीन को याद रखना है और उनके हकूक़ उन तक पहुँचाने हैं। उसके बाद इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल ज़िर्क साहब, जो कि रेडियो और ब्रॉडकास्टिंग भी करते हैं, एंकर भी हैं माशाल्लाह, और एंटरटेनमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तारिक टेडी साहब। बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब। सर, कैसे मज़ा आ जाए आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, फिट फाट, तुसी सुनाओ? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह। पंजाबी च गल करनी जी? भाजी, भावें उर्दू च करो भावें इंग्लिश करो, गल समझ आनी चाहिए। बिल्कुल सही गल है जनाब। पे सब तो पहले तो तुसी तारुफ करवा दो तारिक साहब दा। मिस्टर तारिक रेड्डी साहब ने और थिएटर च भी इन्होंने गाया है, गाया कि पाया ना तुसी बजाया उसे? यस सर, यस जी, इन्होंने सर थिएटर च भी काम किया है और साडे बड़े मशहूर जिहड़े ने इत्थों दे, यानी कि चक दे अहले इलाका दे बड़े अच्छे फनकार हैगे ने, और मज़ाइया आइटमां तुहानू पेश करके विखाउणगे भाई जी। सर, और सकलैन साहब की क्या बात है इन्हों की? साढ़े जी माशाल्लाह बहुत अच्छे गायकी के फनकार ने और गुरुकार ने माशाल्लाह, बहुत अच्छे खान साहब भी तलक है इन्हों का जी। मिस्टर तारकड़ी साहब, अज का प्रोग्राम के हवाले ना असं आवाम के थोड़ा जहां एंटरटेनमेंट कर जी। नाज़रीन, मैं गल कहना जमा करके पंजाबी में अभी फुल हल्ला गुला करना, अब प्रोग्राम लैके आए हैं वास्ते फुल एंटरटेनमेंट, और इस एंटरटेनमेंट नाल मिस्टर तारकड़ी साहब मौजूद है, अरसलान साहब जिहड़े के होस्ट ने हम तेज़ टीवी के, और इन्होंने मैनू मौका दिता है कि साढ़े चक्कर में आन के, यानी कि साढ़े गोयरा के इलाके में आन के शयान शांत नाल अज का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। ईद स्पैशल ट्रांसमिशन में मेरे नाल मौजूद ने अरसलान साहब और इन्हों मिस्टर तारिक साहब जी। मिस्टर तारिक साहब, तुम रेडी हो? बिल्कुल जी सर, जी सर। सब तो पहले जरा असं आगाज़ करा किसी कलाम तो, क्योंकि मेन जी चीज़ है साडा अकीदा, साड़ी बुनियाद जी बेसिकली अल्लाह ताला रसूल के नाल अकीदा जुड़िया हुआ, तो असं इन्हों तो बगैर कुछ भी नहीं। ईद के हवाले में सब तो पहले असं कलाम पेश करते हैं जी। मिस्टर तारिक सर, नसिया कलंदरी दीवाने लजपाल दे, असिया कलंदरी दीवाने लजपाल दे, अली दे घराने दे, अली दे घराने दे, मुहम्मद याल दे, असिया कलंदरी दीवाने लजपाल दे, सियां कलंदरी दीवाने लजपाल दे। जिस चंद्रे कलबूत के अंदर नहीं रचिया शाहबाज कलंदर, नहीं रचिया शाहबाज कलंदर, अल्लाह दिसों असी सारे, अल्लाह दिसों असी सारे, नहीं ओदे नाल दे, असियां कलंदरी दीवाने लजपाल दे, असियां कलंदरी दीवाने लजपाल दे। दर लालन दे जेड़ाया बदल गई ओदी सजनों काया, बदल गई ओदी सजनों काया, सिर तो बलावा लालन, सिर तो बलावा लालन, पल बिच टाल दे, असियां कलंदरी दीवाने लजपाल दे, असियां कलंदरी दीवाने लजपाल दे। माशाल्लाह।
सानू लोग हुसैनी कहेंगे, दम दम अली अली कूक दे रहे दे, दम दम अली अली कूक दे रहे दे, ना तेरा लैके दीवे ना तेरा लैके दीवे, पंज पंज बाल जे असिया कलंदरी दीवाने दाल दे, असिया कलंदरी दीवाने लजपाल। हाँ जी लो जी, थोड़ा जहा हंसी मजाक का प्रोग्राम भी साथ साथ, क्योंकि ईद उल फितर के मौका पे जो प्रोग्राम और सॉरी पानी ईद के पीछे हो गई है, माजरा चाहना पा 6000 ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦੀਆਂ ਡੇਢ ਸੌ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਈਦ ਦੇ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਛੋਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਰ ਤੇ ਯਾਰ ਕਿਆ ਮਜ਼ੇ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨੂਡਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਨੂਡਲ ਖਾਣ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਣੇ ਬਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੂਡਲ, ਉਹ ਪਲੇਟ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨੂਡਲ ਟੁਰੀ ਜਾਵੇ ਐ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੂਡਲ ਟੁਰਨ ਲਿਆ ਪੱਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਡਲਸ, ਉਹ ਖੈਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਚਮਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤਲਕ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੇਨ ਹੀ ਨਾ ਬਣੇ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਡਿਸ਼ ਖਾਧੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਪਿਛਲੀ ਬੱਕਰਾ ਈਦ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਲਾਗੋ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਏ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣਾਈ ਆ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਕਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਿਆ, ਆਪੋ ਆਪੋ ਰਾਮ ਨਾ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੈ, ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਡੈਡੀ ਡੈਡੀ, ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ, ਨਪਾੜ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਖਜਲ ਹੋਣ ਡੇ, ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਅਬਾ ਅਬਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੇਟਾ ਪਰੇ। ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੀ। ਮਿਸਟਰ ਤਰਗੜੇ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਸਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜੀ ਜੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਮਸਲਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟੱਚ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਜ ਜੂਜ ਹੈ ਕੋਈ ਨੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਕੱਢ ਕੁੱਢ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੰਜਨ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਲੱਗਦਾ, ਚੌਲ ਚੁਗਣ ਡੇ ਖਰੇ, ਸਮਝ ਨੀ ਲੱਗਦੀ ਜੀ, ਕੱਟੇ ਦੀ ਜਬਾਨ ਜਬਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਚੌੜੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਟਿੱਚ ਟੁੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੋਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ, ਲਾਗੋ ਦੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲਾਗੋ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਬੀਜ਼ੀ ਕੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ? ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਆਹ ਫੜ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਆਹ ਫੜ ਲਓ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਕਰੋੜੋਂ ਪਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਰੜੋ ਹੈਲੋ, ਔਰ ਸੁਣਾਏ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਰੋੜੋਂ ਕਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਪਾਥੀਓਂ ਕੇ, ਪਾਥੀਓਂ ਕੇ, ਔਰ ਸੁਣਾਏ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਓ ਹੋ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਹੈਲੋ ਆਂਟੀ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸਾਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ, ਵੈ ਪੁੱਤ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਪਿੰਡ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਖੋਲੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਵੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੀੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਰਾਇਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਸਰ, ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੈ ਤੁਰੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰਾਤੀ ਸ਼ਰਫੀ ਤੇ ਟੁੰਡੀ ਤੇ ਲੁੰਡੀ, ਇਹ ਰਾਤੀ ਤਰਾ ਘੁੜ ਤੇ ਦਾਂ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਦਰਖਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਂਚ ਡੱਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਚੂਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਕ ਚ ਲਾਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲਿਆ, ਤੁਰੋ ਉਹ ਸੰਗ ਜੋੜੇ ਮੰਜੇ ਤੋੜੇ ਬਖੇਰ ਯਾਰ ਖੁਸ਼ ਮੁਸ਼, ਅੱਲਾ ਕਾ ਫਜ਼ਲੀ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੂੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੂੰਗਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਗਾਓ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਤੋ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਿ ਗੂੰਗੇ ਕੇ ਪਾਸ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਗੂੰਗਾ ਤੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਗਲਿਸ਼
एक ऐसी जबान है इतनी स्पीड में बोली जाती है कि बात करने वाले की पामा उल्टा बाजी लग जाए, तो बड़ी सीरियस मतलब अरबी अक्सर बोलते ना जिन्होंने बोलनी नहीं आती, खवातीन पढ़ी लिखी नहीं होती, वो खवातीन कहती है मैं भी पार्टी में जाऊँ मैं भी पढ़ी लिखूँ, लोग कहें पिंकी कितनी पढ़ी लिखी है, तो अपनी सहेली को बुला रही हेलो स्मीनोज तेरे भाई जन बड़े कमीनोज वो सुन सुन के अंग्रेजी वो पंजाबी बुढ़िया पंजाबी चैस लाउन दी अपने बेटे ने बुला रही वे बूटेज अंग्रेजी गाने ने जिहड़ा बेड़ा गर्क कीता आवाम दा, आ 12 बजे देखिए आ पहले वक्तां विच चल सब गाने हुंदे ही नहीं सीगे, पहले ते होर ही सिस्टम, अंग्रेजां दा वखरा एक सिस्टम, फास्ट दुखी गुलूकार इन्हां दे फास्ट बुजुर्ग होने कद्दू नूं तारां पाईआं होणियां, उह तां मूंह तड़के वाली कौली वर्गा करके गाउणा किस तरीके दे नाल पढ़िया लिखिया बुढ़िया उतो परफ्यूम लाया उतो सूट ओदां दा छम छम करते जरा ढोलकी मुन बलान को पकड़ लो जरा अंकल आ गया तू आगे जरा ढल क्या हो गया जरा ठो साडियां पिंडां दियां माईयां सादियां वडेरियां नानियां दादियां हाय निया बशीर बैठा नजर कमजोर होगी पता नहीं लगता मैनूं आ नहीं टेक दी सिर ते मैं कड़ी घर बैठनी आ टेक के गर्मियां च विआह रख लिया इन्होंने पखे का मूंह च इधर करो की हो गया जे तुहानूं लो जी अम्मा जी भी गाना गा रहे घर के काम कर रही है क्योंकि बड़ों के सर पे बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं और उन्होंने हैंडल करनी होती हैं और बड़े गा रहे हैं और घर के काम भी कर रही है कैसे ने चिट्टा कुकड़ी बने आपा श्री हां तेरा मुंडा तरी कठी करन दिया वेखला वो चिट्टा कुकड़ी बने रे नी टूटी बंद कर तो 4000 बिल आया जे ने चिट्टा कुकड़ी बने हाय मैं मार की लेला सारे ही पठे खा गए ने चिट्टा कुकड़ी बने रे नी इधर हो जो भाई मुछाला गानु आई जांगा ने चिट्टा कुकड़ी बने रे ते कल तेरे पालन तो शाह मिलने कहना लीले का सूट लैके दऊ ने चिट्टा कुकड़ उथे खजल हो जान दे जी। ये थे जनाब मोहतरम तारिक साहब जो एक अपने मुनफरिद अंदाज से हमारे दिलों को लुभा रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला इस संगत को सलामत रखे और अपने मेज़बान को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।